आज आपके सबके सामने है कि किस तरीके से बीजेपी भाजपा पिछले 2-2.5 साल से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हमारे बहुत सारे लीडर्स, हमारे दिल्ली के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, वो पिछले 13 महीने से वो जेल में हैं। सतेंद्र जैन जी जेल में हैं, विजय नायर जेल में हैं। हमारे वो आवाज जो राज्यसभा में सबसे बुलंद आवाज थी, संजय सिंह, वो जेल में हैं। और अब हमारे दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको दिल्ली ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार भारी बहुमत से मुख्यमंत्री चुना, जो हर एक दिल्लीवासी के दिल में बसते हैं, वो शख्स जिसने इस देश की, हम जैसे युवाओं को जो पूरे देश से आते हैं, उनको, वो उनके हमारे आइडल हैं। हमें दिखाया कि एक नई किस्म की राजनीति हो सकती है। हम आम घर से उठकर आज मंत्री बने, पंजाब में MLA बने, वो शख्स को आप उठाकर जेल में डाल देते हो। तो मेरा यही मानना है कि देखिए, असूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश में अरविंद केजरीवाल एक लौते ऐसे राजनेता हैं जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं। वैसे तो भाजपा बोलती है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, उनको पता है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो अरविंद केजरीवाल, और इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दें। और मैं आपको एक और बात सी, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2011 से जुड़ा हूं। वो डायबिटिक हैं, उनके बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। इसके जिस तरीके से भाजपा और ED, वो इसके बावजूद वो हर वक्त अपना हर एक पल देश की सेवा में, दिल्ली की सेवा में, और जहां जहां हमारी पार्टी है, पंजाब की, गोवा, सब जगह वो अपना अर्पण करते हैं। बट मुझे ये भी है कि उनके बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। उनकी आज जैसे हमारे दिल्ली के मिनिस्टर आतिशी जी ने सवाल उठाया उनकी सिक्योरिटी इश्यूज। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं है, वो देश के करोड़ों लोगों के एक आइडल है। मैंने जैसे आपको बताया वो ऑपोजिशन के प्राइम लीडर हैं, और इसीलिए यही मंतव है कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ढंग से अरविंद केजरीवाल को रोक दें, अरविंद केजरीवाल को रोक दें, आम आदमी पार्टी को रोक दो। पर मैं आपको ये बात बहुत विश्वास के साथ, और पहले 2011 में मुझे याद है, ऐसे ही दिन थे और इसी तरीके से हम सड़कों पर घूमते थे। उसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी बनी, दो सूबों में हमारी सरकार बनी, और 2024 में अब जो ये हो रहा है, इसका असर आपको आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में दिखेगा। क्यों नहीं पॉसिबल है? मैं वकील भी हूं, मुझे आप बताइए, इस देश का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज एनी पर्सन who has not been convicted to contest an election for an MLA or MP. इस देश का संविधान हर उस नागरिक को, चाहे वो जेल में है, हाँ वो सजा जाप्ता ना हुआ हो, वो जेल में है, उनको चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो MLA का चुनाव हो और चाहे MP का चुनाव हो, उसकी परमिशन देता है, उसकी आज्ञा देता है। अगर आप MLA और MP का चुनाव जेल से लड़ सकते हैं, तो इसका साफ मतलब why cannot you perform your duties? तो फाइल्स जाएंगी तो कैबिनेट के अलाउ कर दो। क्या मंत्रियों को जेल में खतरा है? आप मंत्री इसकी चेकिंग करके चले जाएं, ही विल बी परफॉर्मिंग हिज, वो अपना जो राजधर्म है वो निभाएंगे। जो राजधर्म दिल्ली की जनता ने, ये डेमोक्रेसी है, दिल्ली की जनता ने 62 out of 70, 62-70 में से 62 सीटें देकर उनको ये राजधर्म दिया है। दिल्ली के विधायकों ने ये बोला है कि हमारे लीडर, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद, तो क्या वो जेल से अपना राजधर्म नहीं निभा सकते? मैं आपसे पूछिए, बीजेपी से ये पूछिए, नैतिकता की वो बात करते हैं जिन्होंने इस देश का सबसे घिनौना सबसे स्कैम किया, हमारे देश की जो फौजी है उनकी विधवाओं का, जो अदर्स सोसाइटी घोटाला था, आप उनको लाकर आप उनको MP की टिकट दे देते हो, आप उनको राज्यसभा में सांसद बनाते हो। आप देश के जिन लोगों ने इस देश, आपको, जिनको आप भरे मंच से बोलते थे ये सबसे भ्रष्टाचारी हैं, जब वो बीजेपी में आए थे आप उनको मुख्यमंत्री, आप उनको डिप्टी CM, आप उनको MLA, आप उनको MP बना देते हो, और आप बात करते हो नैतिकता की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आज सब पर्दाफाश हो गया कि कैसे ED को सिर्फ राजनीति को खत्म करने के लिए, ऑपोजिशन के लिए नहीं, बल्कि एक कलेक्शन एजेंट, जैसे प्राइवेट बैंकों ने अपने कलेक्शन एजेंट रखे होते थे, वैसे ही कलेक्शन एजेंट बनकर ED काम कर रही थी। रेड मारते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। सबसे बड़ा घोटाला तो ये है।